नमस्कार दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कैनन की तरफ से आने वाले इसी प्रिंटर की अनबॉक्सिंग। दोस्तों, ये एक लेजर प्रिंटर है और इसका मॉडल नंबर है LBP2900B। तो दोस्तों, इसी की अनबॉक्सिंग आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे और दोस्तों देखेंगे क्या क्या फीचर्स आपको ये प्रिंटर प्रोवाइड करता है और क्या क्या बॉक्स कंटेंट आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों, अनबॉक्स करने से पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं, दोस्तों इसकी स्पीड जो है वो है 12 पेज पर मिनट और इसका जो रेजोल्यूशन है वो 2400 DPI का है। बात करें इसकी प्राइसिंग की तो इसके जो प्राइस मेंशन है बॉक्स पे वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं 12,889 रुपीज़ इस पे मेंशन है, बट मैंने इसको परचेज़ किया है 9,990 में। तो चलिए अब कर लेते हैं जल्दी से इसको अनबॉक्स। तो दोस्तों, बॉक्स को ओपन करते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है ये यूज़र मैनुअल। देख सकते हैं आप, इस तरीके का यूज़र मैनुअल मिलता है, इसको आप देख के अपने प्रिंटर में इंस्टॉल कर सकते हैं कार्टेज वगैरह और बाकी चीज़ें। तो इसको साइड में रखता हूँ अभी मैं। और दोस्तों, ये मिल जाती है ड्राइवर की CD जिसको आपको अपने PC में इंस्टॉल करना है, उसके बाद ही ये प्रिंटर वर्क करेगा। और दोस्तों, ये भी यूज़र मैनुअल ही है। और इसके नीचे ये मिल जाता है पावर केबल जिसके साथ आप प्रिंटर को कनेक्ट करेंगे। और दोस्तों, ये USB केबल है जिसके साथ आपका प्रिंटर आपके CPU के साथ में कनेक्ट होगा। तो सभी चीज़ों को मैं साइड में करता हूँ अभी। और दोस्तों, आप लोगों को मैं ये दिखा दूँ, ये है कार्टेज, इसके अंदर कार्टेज होगा, इसको मैं बाद में खोल के आप लोगों को दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये रहा हमारा प्रिंटर, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ बॉक्स से। दोस्तों, मैंने प्रिंटर को बाहर निकाल लिया है और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दिखता है ये लेजर प्रिंटर। यहाँ पे आपको कैनन की ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ पे मॉडल नंबर आप लोग देख सकते हैं LBP2900B। तो इसके ऊपर ये जो लगा है इसको मैं निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आपको जो है पेपर यहाँ पे इंसर्ट करना है, इधर आपका जो पेपर है वो यहाँ पे लगेंगे और आपको कुछ इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं और जो आपका प्रिंट है वो यहाँ से बाहर निकलेगा। और दोस्तों, अगर आपको कार्टेज को इंसर्ट करना है तो आपको इसको ओपन करना होगा और यहाँ पे जो है आपका कार्टेज जो है लग जाएगा। और मैं इस साइड से आप लोगों को दिखा दूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे इस तरीके से ओपन होता है। और दोस्तों, आप लोग को मैं दिखा दूँ पीछे से। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वो केबल लगेगी जो आपका CPU के साथ में कनेक्ट होगा कंप्यूटर से, तो वो केबल जो है यहाँ पे लगेगी। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो प्रिंटर है ये कोई भी इसमें वाईफाई अनेबल नहीं है, वाईफाई नहीं है इसके अंदर। और ये जो प्रिंटर है इसमें सिर्फ सिंगल ब्लैक प्रिंट निकलता है, ब्लैक एंड वाइट, ये कलर प्रिंटर नहीं है। ना इसमें आपको स्कैनर मिल जाता है और ना ही इसमें आप फोटोकॉपी कर सकते हैं। ये नॉर्मल सा ब्लैक एंड वाइट लेज़र प्रिंटर है जो कि बहुत जगह यूज़ होता है बिलिंग के लिए। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपकी पावर केबल लगेगी और यहाँ से ये जो है ऑन होगा, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके अंदर आपको कार्टेज कैसे इंसर्ट करना है। ये है वो कार्टेज जो इसके साथ में मिलता है, आप लोगों को मैं दिखा दूँ। इस तरीके का कार्टेज जो है आपको इसके साथ में मिल जाएगा प्रिंटर के साथ में। इसके अंदर ये एक ऑरेंज कलर की स्ट्रिप होगी, इसको आप लोगों को बाहर निकाल लेना है खींच के इस तरीके से। और दोस्तों, स्ट्रिप बाहर निकालने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ हैंडल टाइप का आपको मिलेगा, इसको आपको पकड़ना है और आपको अपने प्रिंटर के इस कैप को ओपन करना है और उसके बाद ये दूसरे इस चीज़ को ओपन करना है और इसको इसमें इस तरीके से लगाना है। ये इस तरीके से लग जाएगा, इस तरीके से लगने के बाद आप लोगों को इस पर प्रेस करना है और ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से जो है ये इसमें फिट हो जाता है। एक बार मैं आप लोग को पास से दिखा दूँ। देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से ये इसके अंदर फिट हो जाता है।
अब मैं इसके कैप को बंद कर देता हूँ और आप लोगों को कंप्यूटर से कनेक्ट करके इसमें से प्रिंट निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ। सो दोस्तों, प्रिंटर को मैंने अपने सिस्टम के साथ में कनेक्ट कर लिया है और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो ड्राइवर है वो भी मैंने अपने पीसी में इंस्टॉल कर लिया है। तो दोस्तों, आप लोगों को भी ऐसे ही ड्राइवर पहले अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है सीडी के थ्रू या फिर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो चलिए, अब मैं आप लोगों को एक प्रिंट कमांड दे के इस प्रिंटर से प्रिंट लेके निकाल के दिखाता हूँ। तो प्रिंट निकालने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसमें आपको पेज कैसे इंसर्ट करना है। सो दोस्तों, आपको पहले इस ट्रे को ओपन करना है और इस तरीके का आपको कुछ अंदर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसको आपको पीछे करना है और यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, आपको इसको इस साइड स्लाइड करना है। दोस्तों, स्लाइड करने के बाद आपको इसमें पेपर को इंसर्ट करना है, देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से आप इंसर्ट करके पेपर को इसके अंदर लगा पाएंगे और पेपर के अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से जो आपका पेपर है वो इंसर्ट हो जाएगा इसके अंदर। तो चलिए, अब मैं प्रिंट कमांड देके आपको प्रिंट निकाल के दिखाता हूँ। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को प्रिंट देने से पहले आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है कि कैनन LBP 2900 पे ये सेट है कि नहीं। तो दोस्तों, इसको सबसे पहले इस पर सेट कर लेना है आप लोगों को अगर नहीं है तो। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है और प्रिंट की कमांड देनी है। तो दोस्तों, मैंने प्रिंट की कमांड दे दिया, अब चेक करते हैं कि जो प्रिंट है वो निकल रहा है कि नहीं। सो दोस्तों, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं प्रिंट जो है इसमें से बाहर आ चुका है। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं किस तरीके की क्वालिटी इसमें आई है। सो आप लोग देख सकते हैं प्रिंट क्वालिटी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रिंट इस प्रिंटर से हमें मिल जाती है। और दोस्तों, ये लेज़र प्रिंटर जो भी होते हैं ये पेज प्रिंटर्स होते हैं, तो एक बार में ये पूरा एक पेज प्रिंट करते हैं। तो दोस्तों, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ जाती है और ज़्यादातर ये बिलिंग पर्पज़ के लिए बहुत सारे शॉप्स वाले यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों, आप लोगों को किस तरीके से प्रिंटर को इंस्टॉल करना है और प्रिंट निकालना है इस चीज़ की जानकारी भी मिली होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।